तो हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा कि अगर आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनना चाहते हैं तो आपके पास क्या-क्या होना चाहिए, आप कैसे बन सकते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर। तो फुल डिटेल बताने वाला हूँ मैं कि आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर कैसे बन सकते हैं, कि क्या-क्या कौन-कौन बन सकता है। सबसे पहली बात तो ये होती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए या तो फिर एक्सपीरियंस आपके पास, तो आप आसानी से बन सकते हैं। और दूसरी बात, या तो फिर आप ग्रेजुएट हैं या आपने बीटेक किया हो सिविल से, तो आप इसमें लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, साथ में सिविल कॉन्ट्रैक्टर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोस्तों कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर और सिविल कॉन्ट्रैक्टर में। तो ये वीडियो देखने के लिए आप चैनल के पेज पे जाकर देख सकते हैं कि सिविल कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, और लेबर कॉन्ट्रैक्टर तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। सिविल कॉन्ट्रैक्टर तो इसमें सिर्फ बात हो रही है कि लेबर कॉन्ट्रैक्टर बनने के लिए क्या-क्या आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सपीरियंस है कि आपने कहीं से आपने काम किया हुआ है या कोई सी कंपनी में आपने अभी तक काम किया है, तो आप आराम से लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आपको कुछ भी काम नहीं आता है, तो आपको क्या करना है कि एक कोई सी कंपनी के साथ आपने 5 या 6 महीने का इंटर्नशिप कर लेना है, और इसके बाद वहाँ से एक सर्टिफिकेट बना लेना है कि मैंने यहाँ से ट्रेनिंग ली है, और इसके बाद आराम से आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप ऐसे भी बन सकते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, क्योंकि बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि आपके पास कोई सा सर्टिफिकेट नहीं है, तो क्योंकि वो लाइसेंस बनाते हैं तब दिक्कत आती है, ठीक है। अगर आपके पास छोटे वर्क्स हैं, अगर छोटी टीम है लेबर की, तो आप बिना लाइसेंस से भी काम कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टीम ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है कि आपको लाइसेंस बनाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप बड़ी बड़ी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट लेंगे तो आपको क्या है पूरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। तो इस प्रकार से आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। और एक्सपीरियंस है तो आप क्या करना है कि आपको लाइसेंस बना के आप बड़ी से बड़ी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट लेके इसमें बहुत सारी अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे बन सकते हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कुछ नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए दोस्तों, हर एक काम के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि बिना नॉलेज से आप इसमें अच्छे से कमा नहीं पाते। आपको भी पता है कि हर एक काम के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा टॉपिक था। अगर ऐसे वीडियो पाने के लिए दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, सिविल कॉन्ट्रैक्टर कैसे बने, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।